हशमत भाई तो दानियाल को देख के आग बगोला हो गए होंगे। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि गिरेबान पकड़ूं दानियाल को और उससे पूछूं कि अब बताए कौन था सच्चा, वो या मैं। मेरे सारे शक सच साबित हुए हैं और दानियाल की मोहब्बत बस झूठ, दिखावा, मसलहत या शायद लालच। फातमा, रिश्ते इसीलिए कदर खो देते हैं जब उसमें शक शामिल हो जाए या फिर लालच। बुरा मत मानिएगा अम्मी, लेकिन हानिया के सारे दावे गलत साबित हुए हैं। बड़ी पाक दामन बनी फिरती थी। हानिया ने मुझे बहुत मायूस किया, कभी मुझे मां नहीं समझा। जोया को भी मुझसे मतनफर करती रही। छोटी सी उम्र से पता नहीं अब जोया के सांचे में ढल गई होगी। मुझे तो बहुत फिक्र है जोया की। एक बात बताऊं आपको, हशमत अब्बू ने राफेल के लिए जोया का इंतखाब कर रखा है। भाई फातमा, तुमने तो बर्दाश्त किए है ना तहमीना के रवैये, और तहमीना ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद जोया, मुझे यकीन है वो जोया के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेगी। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो हिम्मत करके हानिया के घर चली गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और ये हिम्मत आपने ही मुझे दी अम्मी। बस अब अपनी हिम्मत को कायम रखना, आखिर को तुम्हें अपने अब्बू की जगह लेनी है। जी अम्मी, मैं समझ गई। अच्छा अब जल्दी से ऑर्डर भी कर दो, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे देर हो रही है। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, आप परेशान ना हो, खाना खाते हैं। वैसे तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो।